हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीमून यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अवे सर्वा एंड इट्स अ प्लांट पैथोलॉजी लेक्चर नंबर 6। इन दिस लेक्चर वी टॉक अबाउट सम प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे कि जिस तरह हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर जो कि हमारा लेक्चर नंबर 5 था उसके अंदर हमने पैथोजेनिक फंजाई के बारे में बात की थी, उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी, कुछ उसकी रिप्रोडक्शन, कुछ उसके स्पेसिफिक फॉर्म्स के बारे में बात की थी। इसी तरह इस लेक्चर के अंदर हम कुछ बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे क्योंकि आफ्टर द फंजाई बैक्टीरिया इज़ द सेकेंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोटिक एजेंट इन अवर प्लांट पैथोलॉजी। सो बिफोर स्टार्ट दिस लेक्चर आई टेल अबाउट सम अवर एग्रीमून। सो स्टूडेंट्स, हमारा एग्रीमून का एक गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एक ऐप भी है, उस ऐप के ऊपर आप उसको जरूर इंस्टॉल कीजिए। उस ऐप के ऊपर आपको जितने भी हमारी जितने भी आपके यूजी के पीजी के जितने भी कोर्सेज होते हैं उनकी सभी की जो पीडीएफ्स है बुक्स की वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल्स है। और इवन जो मैगजीन्स वगैरह होती है एग्रीकल्चर रिलेटेड या फिर कोई इन्वायरमेंट रिलेटेड, वो सभी मैगजीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वहाँ पर मिली है। सो आप जाकर हमारे एग्रीमून का जो प्ले स्टोर पर गूगल ऐप उसको जरूर डाउनलोड कीजिए। और उस ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ स्टूडेंट्स। और इवन आप हमें हमारे जो सोशल मीडिया के जो हमारे अकाउंट्स हैं, आप हमारे फेसबुक से हमारे साथ जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हो। और इवन जो आपके एक आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, डेट इज 7900900676, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके अपना कोई भी आपकी अगर कोई इंक्वायरी वगैरह तो इस पर पूछ सकते हो। और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जो कि agrimoon.com के नाम से है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि जो एग्रीमून के इस टेलीग्राम चैनल पर हम रोज एक क्विज कंडक्ट करते हैं। वो क्विज क्या होते हैं, एक ओवरऑल एग्रीकल्चर की क्विज होती है और इवन कुछ करंट अफेयर्स के ऊपर, यानी कि जिस तरह एग्रीकल्चर के ऊपर जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं वो सभी कुछ हम इसी एग्रीमून के इस टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करते हैं और इवन क्विज की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे आपकी एक तो प्रैक्टिस होती है और इवन आपको विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिस आप कुछ न्यू फैक्ट्स एग्रीकल्चर के काफ़ी हद तक पता लगते हो। और इवन आपको हमारे जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो भी आपको इजीली इन एग्रीमून चैनल पे आपको मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आप हमारे इस एग्रीमून के इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और इसके और हमारे एग्रीमून के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। So we start this lecture with the general characteristics of the bacteria. First we discuss about the what are the main and what are the general characteristics of the bacteria. So first of all, the bacteria are the second most important organism which cause the plant disease. So जो bacteria वो सबसे second most important organisms है plant जो हमें plant disease cause करता after the fungi. और ये क्या होते हैं, these are the prokaryotic organism, these are the single cell mostly a chlorophyllous organism whose body is surrounded by the cell wall and the nuclear membrane is not surrounded by the membrane. क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्या प्रोक्रियोट ऑर्गेनिजम्स है, प्रोक्रियोट्स ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती हैं, ना ही इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड और माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि जो इनका न्यूक्लियस है वो भी क्या होता है, एक वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होता है। जबकि हमने हमारे जो प्रीवियस लेक्चर में जब हम फंजाई की बात कर रहे थे तो फंजाई क्या था हमारा, इट्स अ यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, वो यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म था और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म था, इसलिए उसके अंदर आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन दिखाई देगी, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर इतनी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है इसलिए इसको सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कह देती है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हम फंजाई को इसीलिए कहते हैं, एक तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और उसके अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द बैक्टीरिया। एंड मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया स्पीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, स्पैरोफाइटिक नेचर होते हैं, यानी कि वो क्या डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और जैसे हमारे अप्रोक्सीमेट 1600 बैक्टीरियन स्पीसीज है, उस 1600 बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर ऑलमोस्ट 100 to 200 जो बैक्टीरियल स्पीसीज है वही हमारे लिए प्लांट पैथोजन है, क्या बाकी सभी हमारे लिए कोई प्लांट पैथोजन नहीं है। क्योंकि ये नहीं कि जिस तरह अगर हम फंजाई की बात करें, फंजाई के अंदर क्या होता है कि ऑलमोस्ट 70 to 80% ये चांसेस होते हैं कि हमारे जो फंजाई है दिस आर द हार्मफुल फॉर अस, लेकिन बैक्टीरिया केस में ऐसा नहीं होता बिकॉज बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल ज़्यादा होते हैं और हार्मफुल कम होते हैं। सो जैसे हम जो बेनिफिशियल और हार्मफुल को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उनको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव और जो हमारे लिए मतलब हार्मफुल है उनको हम क्या कहते हैं नेगेटिव। देखो पॉजिटिव हमेशा हम पॉजिटिव चीज़ों को पॉजिटिवली देखते हैं, तो पॉजिटिव हमारे लिए हमेशा क्या होता है बेनिफिट करता है, इसलिए जितने भी हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरियाज है दीज आर ऑल इंक्लूड इन द ग्राम पॉजिटिव कैटेगरी। और जो हमारे लिए हार्मफुल उसको हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, ग्राम नेगेटिव के अंदर
इंक्लूड करते हैं। लेकिन ये 100% ट्रूथ नहीं है कि जो पॉजिटिव और डिजीज कोज नहीं करेगा। इवन कुछ ग्राम पॉजिटिव के कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो डिजीज कोज भी करते हैं, लेकिन वो 100 में से 10% चांस होते हैं। लेकिन जो 90% हमारे जो बैक्टीरिया ऑल ऑफर द फॉर अस द बेनिफिशियल। सो दिस इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ वी टॉक अबाउट सम बैक्टीरियल बॉडी शेप। सो वट इज द बैक्टीरियल बॉडी शेप? और ज़्यादातर इनकी जो बॉडी की शेप्स होती है वो कई बार रोड शेप भी हो सकती है, स्फेरिकल शेप भी हो सकती है, जैसे रोड शेप की एग्जाम्पल बैसलाई, स्फेरिकल की शेप कोकाई, स्पायरल की फॉर्म स्पायरली, एंड कोमा शेप की विप्रो। और इनके अंदर जो स्ट्रिप्टोमाइसिस जो हमारा बैक्टीरिया वो कि फिलामेंटस बैक्टीरिया है। और जो इनका जो साइज होता है बैक्टीरिया, इट इज़ द 0.6 to 3.5 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ होती है, एंड फ्रॉम 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया। हर बैक्टीरिया की अलग से शेप होती है। जैसे ये बैसलाई है, ये क्या है, रोड शेप बैक्टीरिया है। इस तरह जो स्पायर जो आपको स्पायरोहेटस दिखाई दे रहा है, इट इज अ स्पायरल, इट इज अ फिलामेंटस फॉर्म। ये देखो, ये आपका विब्रो है, विब्रो के अंदर आपको एक थ्रेड लाइक सब्सट्रेट दिखाई दे रहा होगा। स्पाइरल के अंदर आपको कुछ थ्रेड्स, कोई ग्रुप ऑफ थ्रेड्स एक ही साइड पे दिखाई दे रही है। इसी तरह कोकाई, कोकाई आपको ऐसा एग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। हर बैक्टीरिया की अलग से स्ट्रक्चर होती है, और वो जो उसकी स्ट्रक्चर होती है कहीं ना कहीं उसके बारे में बताती है, क्योंकि जितनी बढ़िया स्ट्रक्चर होगी उतनी उस बैक्टीरिया क्या होगी, मॉडिफिकेशन होगी, उतना वो क्या होगा हमारे लिए पावरफुल होगा, उतने हमारे लिए क्या हो सकता है, वो हार्मफुल हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरिया शेप। नाउ वी टॉक अबाउट सम बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर। अब हम थोड़ी बहुत बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। बैक्टीरिया के पास क्या होता है कि थिन, थोड़ी सी जो इनकी सेल वॉल है काफ़ी थिन होती है और काफ़ी टफ होती है, और काफ़ी रिजिड सेल वॉल होती है। इनकी जो सेल वॉल में 3 लेयर्स होती हैं, और जो इनकी जो साइटोप्लाज्मा की जो मेम्ब्रेन है, इट इज़ अ वेरी थिन। और ज़्यादातर हमारे जो बैक्टीरिया ये क्या सिक्रीट करते, एक स्लाइमी लेयर सिक्रीट करते, एक गमी लेयर सिक्रीट करते। क्या होता है कि जैसे ये हमारा, जैसे अगर बात करें ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जो आउटर मोस्ट जो सेल वॉल है वो क्या करेगी, एक जेल लाइक मटेरियल सिक्रीट करेगी। उस जेल लाइक मटेरियल को हम कहते हैं स्लाइम लेयर होती है। वो स्लाइम लेयर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वो एक इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करती है। वो क्या करती है, बैक्टीरिया को हार्मफुल बैक्टीरिया से, हार्मफुल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बैक्टीरिया को हार्म करते हैं, उनसे बचाती है। जब यही जो ये स्लाइम लेयर है जब वो थिक हो जाती है, थोड़ी फर्म हो जाती है, थोड़ी हार्ड हो जाती है, तब उसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कह देते हैं। और ज़्यादातर हमारे जो प्लांट पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया है उनके अंदर कैप्सूल्स नहीं होता है। लेकिन जैसे सूडोमोनास है, जेंटोमोनास है, देखो सूडोमोनास और जेंटोमोनास, ये मैक्सिमम केसेस के अंदर जब आप बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ोगे, जब आप बैक्टीरिया ब्लाइट पढ़ते हो, जब आप बैक्टीरिया रोट पढ़ते हो, इवन आप बैक्टीरिया लीव स्पॉट के बारे में पढ़ोगे आगे जाके, तो कहीं ना कहीं आपको सूडोमोनास जेंटोमोनास यही स्पीसीज ज़्यादा देखने के अंदर मिलेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि हमारे जो 60 to 70% से जो डिजीज होती है ड्यू टू द बैक्टीरिया, उनके पीछे जो रीज़न होता है, जो जो कह सकते हो इटोलॉजिकल फैक्टर है, वो कौन सा होता है, सूडोमोनास या जेंटोमोनास ज़्यादातर केसेस में देखने को आते हैं। सो इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर आपको आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर रिपीट होगा। सो इनको आप जरूर अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, इवन आपको आगे आने जब रीडिंग्स भी वगैरह भी करते हो, आप डिजीज कॉमन वगैरह भी पढ़ते हो, तब भी आपको कहीं ना कहीं सूडोमोनास सिरिंजिया का नाम आएगा, जेंटोमोनास का आपका नाम आएगा, इनका नाम तो बस रिपीट तो होगा ही होगा। सो नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अ फ्लैजेलम। सो फ्लैजेला क्या होता है, ये क्या है, बैक्टीरिया को मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे ये हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को मूव करने के लिए एक उसके पास एक ऑर्गन होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास ना तो कोई हैंड्स होते ना कोई लेग्स होते, सो इसको मूवमेंट करने के लिए, एक लोकोमोशन के लिए एक ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, फ्लैजेला कह देते हैं। सो ज़्यादातर हमारे जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनके पास बहुत ही डेलिकेट, बहुत एक थ्रेड लाइक फ्लैजेला होता है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है, और ये क्या करता है, उनको लोकोमोशन में हेल्प करता है, उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। सो हम कुछ थोड़ी बहुत कुछ अलग अलग अरेंजमेंट्स के बारे में बात करेंगे। देखो जो फ्लैजेलम है उसकी भी एक अलग अलग अरेंजमेंट, कई बार कुछ अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है कि किसी एक बॉडी के अंदर एक फ्लैजेला होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि जो एक फ्लैजेला है वो सिर्फ एक साइड प्रेजेंट होगा, वो या लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, और इवन वो कई बार ग्रुप ऑफ फ्लैजेला भी हो सकते हैं। सो इनके अलग अलग जो फ्लैजेला की जो अरेंजमेंट है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ द फ्लैजेलम अरेंजमेंट। सो फर्स्ट वन इज पोलर, जिसको मोनोट्राइकोस अरेंजमेंट भी कह देते हैं। इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, की एक सिंगल फ्लैजेल होता है एट वन पोल, किसी भी एक पोल के साइड में सिर्फ एक ही सिंगल फ्लैजेल होगा, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मोनोट्राइकोस। सो अक्सर आप साइंस के अंदर ये मोनो वर्ड पढ़ते हैं, सो मोनो का मतलब होता है सिंगल वन। देन नेक्स्ट वन इज लोपोट्राइकोस, लोपोट्राइकोस में केस के अंदर का तो होगा फ्लैजेलम, वो भी एक साइड होगा, लेकिन ग्रुप ऑफ फ्लैजेला, जैसे मोर देन 4 to 5 फ्लैजेला आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी एक ही साइड दिखाई दे रहे होंगे, जिस तरह आपको इस बॉडी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। देखो आपको यहाँ से 4 to 5 दिखाई दे रहे होंगे, वो 4 to 5 जो फ्लैजेला है उनका जो ग्रुप आपको एक ही साइड में दिखाई दे रहा है।
देन नेक्स्ट वन इज एम्फीट्राइकोस। एम्फीट्राइकोस के अंदर एक होता है जो फ्लैजेला होगा, दोनों साइड प्रेजेंट होगा, वो लेफ्ट में भी होगा वो राइट में भी होगा। जैसे मोनोट्राइकोस में क्या होता है, होगा फ्लैजेला लेकिन वो या तो लेफ्ट में होगा या तो फिर राइट में होगा, दोनों साइड में नहीं होगा। लेकिन एम्फीट्राइकोस के अंदर लेफ्ट में भी और राइट में दोनों में आपको दिखाई देगा। सो स्टूडेंट्स, यू आपको ये पैलोट्राइकोस एम्फीट्राइको ये टर्म्स दिखाई दे रही है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम, जो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं। अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इवन AFO, NABARD, जो आपके IFPO के एग्जाम्स होते हैं वहीं पर ये टर्म बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। सो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना आपने। द नेक्स्ट वन इज पैरिट्राइकोस। पेरिट्राइकोस में क्या होता है कि जो फ्लैजेला होता है ओवरऑल बॉडी के ऊपर होता है, सारी बॉडी फ्लैजेला से कवर होती है, लेफ्ट से भी कवर होती है, राइट से भी कवर होती है, इवन अप साइड से, डाउन साइड से, सारी बॉडी फ्लैजेला से कवर होगी, जिस तरह आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट इज एम्फीट्राइकोस। तो देखो एम्फीट्राइकोस और एम्फीट्राइकोस दोनों में फर्क है। देखो ऊपर वाली स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि आपको फ्लैजेला दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में भी दिखाई दे रहा है, राइट में दिखाई दे रहा है, लेकिन सिंगल दिखाई दे रहा है। लेकिन एम्फीलोफो ट्राइकोस के अंदर क्या है, टफ टफ यानी कि ग्रुप ऑफ फ्लैजेला आपको लेफ्ट ऑफ राइट में दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एम्फीट्राइकोस एंड एम्फीवोट्राइकोस। सो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अक्सर जो देखो जो कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं अक्सर एग्जाम में उन्हीं पे क्वेश्चन डालता है, क्योंकि उसको भी पता है कि जो सिंपल टर्म्स है वो तो स्टूडेंट इजिली क्रैक कर लेगा, लेकिन जो टफ होता है वो थोड़ा बहुत हमारा जो कि हमारी कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग को चेक करता है, वो यही से तरह के क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। सो जो कन्फ्यूजिंग टर्म्स है उनको तो आपने अच्छे से नोट डाउन कर ही लेना है, क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको काम आएंगी। सो नाउ वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन। देखो बैक्टीरिया है वो सिंगल मतलब यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है। सो इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तो बहुत ही कम होती है, इवन 0.1-1% कह सकते हो। ज़्यादातर जो 90-99% जो चांसेस होते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है, इट इज़ मोस्टली द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आपको कौन सी रिप्रोडक्शन ज़्यादातर देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स, दैट इज द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई फिनोमिना रेट ऑफ प्रोसेस इज कॉल द फिजन और द बाइनरी फिजन। सो बाइनरी फिजन इनके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है एक डिवीजन के अंदर जाता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस मटेरियल होता है प्रॉपर ऑर्गेनाइज होकर अपने आप को डुप्लीकेट करता है, अपने आप की डुप्लीकेशन करता है। इसमें क्या जो हमारा प्लास्मिड होता है वो भी आल्सो पार्टिसिपेट करता है। देखो आपने कहीं ना कहीं कॉमन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है दो पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, एक तो उसका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है वो तो आम भी होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा डीएनए बॉडी भी प्रेजेंट होती है, वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, और उस एक्स्ट्रा डीएनए कंटेनिंग बॉडी को हम क्या कहते हैं, प्लास्मिड कह देते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आपको प्लास्मिड हर बैक्टीरिया के अंदर दिखाई देगी। जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि लगभग 1600 बैक्टीरियल स्पीसीज है, तो ये नहीं कि हर 1600 स्पीसीज के अंदर आपको प्लास्मिड दिखाई देगी। जो ये प्लास्मिड वाला जो फंक्शन है किसी किसी के अंदर होता है। ये प्लास्मिड होता क्या, ये प्लास्मिड के अंदर क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा डीएनए जो होता है वो इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। सो ये स्पेशली रिप्रोडक्शन में तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और इवन जो कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो उनका जो डिजीज कॉजिंग जो एबिलिटी है वो इसी प्लास्मिड के कारण ही होती है। और इवन इनके अंदर जो रेजिस्टिविटी जो इनके अंदर जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो, ये ज्यादातर केसेस में यही देखने को मिलता है कि इनके प्लास्मिड के कारण होते हैं। इनकी जो डुप्लीकेशन होती है या फिर इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है बहुत ही फास्ट होती है, हर 20 सेकंड्स के अंदर ही अपने आप को रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। सो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि जो बैक्टीरिया की अपनी कॉलोनी को किसने किस रेट से आगे बढ़ाएगा। एक फंजाई अगर बैक्टीरिया अगर आप कल्चर पर ग्रोथ करके देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा जो बैक्टीरिया उसकी जो ग्रोथ रेट बहुत ही फास्ट है, क्योंकि उसने हर 20 मिनट्स के अंदर एक साइकिल को कंप्लीट कर लेना, पूरी साइकिल कंप्लीट करके एक न्यू यंग वन को प्रोड्यूस कर देना। सो दैट्स व्हाई, और ये जो आप रिप्रोडक्शन देख रहे हो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना फास्ट नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने फंजाई के केस में बात की थी और आपको यहां पर भी बात कर रहा हूं। नाउ वी क्लासीफाई द बैक्टीरियल प्लांट पैथोजन्स। अब बैक्टीरिया प्लांट पैथोजन को क्लासीफाई करेंगे। सो बैगरी मैनुअल ऑफ डिटरमिनिंग बैक्टीरियोलॉजी ने प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया को 3 डिवीजन में क्लासीफाई किया। सो ये जो आज क्लासिफिकेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख कह सकते हैं, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है इन द फॉर्म ऑफ द MCQs। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ग्रेसी ल्यूक्यूट्स। इसके अंदर क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है काफ़ी थिन होती है, ओके, और इनके अंदर जो फैटी एसिड होता है थोड़ा ग्लिसरॉल होता है। सो ज़्यादातर जो ग्रेसिक्यूट्स के अंदर कौन से किनको इंक्लूड करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इंक्लूड करते हैं। सो जितने भी पैथोजेनिक हमारे बैक्टीरिया जैसा है, वो ज़ैंथोमोनास है, सूडोमोनास है, ज़ाइलोफेस्टिडोला है, जो भी है वो सभी किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ग्रेसिक्यूट्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। देन सेकंड वन इज फर्मीक्यूट्स। फर्मीक्यूट्स के अंदर क्या होता है, थिक सेल वॉल वाले होते हैं। सो थिक वॉल सेल वाले कौन होते हैं, हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, और ये
एंडोस्पर्मी प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ग्रेसिक्यूट जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो कभी भी एंडोस्पोर्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं। सो फर्मिक्यूट्स के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव को इंक्लूड करते हैं, जैसे क्रोनी बैक्टीरिया हो गया हमारा, सो इनको जैसे इंक्लूड करते हैं, राइजोबियम हो गया, ठीक है, इनको हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, फर्मिक्यूट्स के अंदर। सो दिस इज द फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट थर्ड डिवीजन, दैट इज अ टेनेरिक्यूट्स। टेनेरिक्यूट्स के बाद होते हैं, इनके बाद तो सेल वॉल होती ही नहीं। सो देखो, ना थिक की बात करेंगे ना थिन की बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे, क्योंकि इनके पास सेल वॉल ही नहीं है, जबकि ग्रेसिक्यूट्स और फर्मिक्यूट्स के अंदर सेल वॉल होती है, इसीलिए हमने थिक और थिन की बात की, लेकिन इसके अंदर तो सेल वॉल ही नहीं प्रेजेंट है, तो थिक और थिन का तो सवाल ही नहीं उठता है। इनके अंदर ज़्यादातर हमारे मॉलिक्यूल्स और माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। सो ये बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स और माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बैक्टीरिया जैसे ही होते हैं, इनके अंदर काफ़ी हद तक जो इनके जो फंक्शनिंग दैट्स लाइक टू द बैक्टीरिया, लेकिन इनके अंदर सेल वॉल लैकिंग होती है, इसीलिए जो इनके काफ़ी जो फंक्शंस है काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। ज़्यादातर जो माइक्रोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा, ये सभी किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, टेनेरिक्यूट्स के अंदर हम इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करें। नाउ वी अब हम एक एक करके इनके इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फेसिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया, इट्स इज ऑल्सो नोन एज अ रिकेसेटिया लाइक बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, दीज आर द स्मॉल बैक्टीरिया विद सेलुलर अल्ट्रा स्ट्रक्चर, टिपिकल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनकी जो सेलुलर अल्ट्रा स्ट्रक्चर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसी होती है, और ये ज़्यादातर इनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, इनको क्या जो अगर आप इनको कल्चर करना चाहते हो तो सिंपल जो रूटीन में हम जो बैक्टीरियोलॉजिकल जो मीडिया यूज़ करते चाहे वो यूज़ करते, इसलिए इसके अंदर ग्रो कर सकते हो। और इनके पास सेल वॉल होती है, अनलाइक एमएलओ। एमएलओ किसको कहते हैं, माइक्रोप्लाज्मिक लाइक ऑर्गेनिजम्स, एमएलओ और स्पायरोप्लाज्मा। आपने नोट डाउन कर लेना है, एमएलओ और स्पायरोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, जबकि रिकेटसेटिया लाइक बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है। सो जो हमारे एमएलओज होते हैं, दैट इज माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, ये ज़्यादातर हमारे फ्लोएम टिश्यू को इंपैक्ट करते हैं, जबकि हमारा आरएलबी, दैट इज रिकेटसेटिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दैट्स आल्सो नोन एज द फेस्टिस वास्कुलर बैक्टीरिया, ये जाइलम पे भी इंपैक्ट करता है और फ्लोएम पे भी इंपैक्ट करता है। सो आपको जाइलम फ्लोएम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जाइलम का काम होता है प्लांट के अंदर वाटर को कंडक्शन करना, मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह वाटर को मूव करने के लिए जो टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू हेल्प करता है, उसको हम क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। और प्लांट का जो टिश्यू फूड को ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि जो हमारा फोटोसिंथेटिक फूड है उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में जो हेल्प करता है, उसको हम कहते हैं फ्लोएम कहते हैं। बोथ द ग्रुप्स आर द डिपेंड ऑन द इंसेक्ट वेक्टर फॉर देयर ट्रांसमिशन। सो देखो, इनको मूव करने के लिए किसके क्या चाहिए, इंसेक्ट वेक्टर चाहिए, क्योंकि इनका जो कॉमन हैबिटेट है, जो इनका मतलब जो कॉमन हैबिटेट चाहिए वो इनको एनवायरनमेंट में नहीं मिल सकता, वो उनको कहाँ मिलता है, इंसेक्ट की बॉडी फ्लूड में मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कह देते हैं। इसीलिए इनको जितने भी हमारे जितने एमएलओ है, जितने भी हमारे फेस्टिस वास्कुलर बैक्टीरिया ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से करते हैं, इंसेक्ट वेक्टर्स की हेल्प से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। द RLB कैन बी डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स, फर्स्ट वन इज जाइलम लिमिटेड RLB, सेकंड वन इज फ्लोएम लिमिटेड RLB, एंड थर्ड वन इज द नॉन टिश्यू रिस्ट्रिक्टेड RLB। सो नाम से इनका क्लियर होगा, जो जाइलम लिमिटेड है वो जाइलम की फंक्शनिंग को इंपैक्ट करेगा, फ्लोएम लिमिटेड RLB किसको इंपैक्ट करेगा, फ्लोएम टिश्यू को इंपैक्ट करेगा, जबकि जो नॉन टिश्यू रिस्ट्रिक्टेड है वो वास्कुलर टिश्यू में इंपैक्ट नहीं करेगा, वो अदर देन वास्कुलर टिश्यू को इंपैक्ट करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई जाइलम लिमिटेड RLB की, जाइलम लिमिटेड RLB की सबसे पहले एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। लेट इज पेस्ट डिजीज ऑफ द ग्रेप वाइन, आलमंड लीफ स्कॉच, फोइन डिजीज ऑफ द पीट एंड द विल्ट ऑफ द प्रिकल बीकर, सुमेत्रा डिजीज ऑफ द क्लॉव्स, एम डिवीज एलम लीफ स्कॉच एंड अल्फा ड्वार्फ प्लम लीफ स्कॉच, ऑल ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द जाइलम लिमिटेड RLB। जो RLB ज़्यादातर जैसे फोनी डिजीज, इस जो फोनी डिजीज होती है पीच को, इसको हम ऐसा जाइला फेस्टिडोला, जाइला फेस्टिडोला इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, मोस्ट पावरफुल बैक्टीरिया। ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स को ये मतलब डैमेज करता है। एंड द सिम्टम्स लाइक इंक्रीज में, जो सिम्टम्स अक्सर देखने को मिलते हैं आपको, थोड़ी बहुत निक्रोसिस दिख रहे हैं। निक्रोसिस क्या होता है, सडन डेथ ऑफ द टिश्यूज। स्टंटिंग देखने को मिलेगी, स्टंटिंग में क्या होता है कि हमारी जो प्लांट की हाइट होती है वो एकदम से डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, डिक्लाइन इन द वीगर, जो प्लांट की जो वीगरनेस है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। और अगर ये सब चीज़ें डिक्रीज हो गई तो देखो यील्ड में तो डिक्रीज हो गए, क्योंकि अगर लीफ में निक्रोसिस हो गया यानी कि उसके फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो भाई यील्ड तो अपने आप डिक्रीज होगी। अगर प्लांट की हाइट नहीं बढ़ी तो वो अच्छे से फ्रूट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, तो भी रिडक्शन यील्ड है। अगर उसकी विगरनेस चली जाएगी तो भी उसकी रिडक्शन यील्ड है, यानी कि हर केस में आपको यील्ड तो डिक्रीज होगी ही होगी। सो दिस इज अ जाइलम लिमिटेड RLB। सो नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेकेंड वन, दैट इज अ फ्लोएम लिमिटेड RLB। 12 फ्लोएम रिस्ट्रिक्टेड RLB हैज बीन आइडेंटिफाइड, एग्जांपल ऑफ द फ्लोएम लिमिटेड RLB इंक्लूड द सिट्रस ग्रेनिंग, क्लोवर क्लब लीफ एंड द व्हाइट क्लोवर डिजीज एंड द क्लोवर रुगोस लीफ स्क्रोल एंड द पेटेंटो। सो दिस इज एग्जांपल, अभी तक 12 फ्लोएम रिस्ट्रिक्टेड RLB को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसमें सबसे कॉमन सिट्रस ग्रेनिंग है,
क्लोवर क्लब रूट है, दिस आर द कॉमन एग्जाम्पल. इसके अंदर वही सेम सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, स्टंटिंग, हाइट की डिक्रीज होना, येलोविंग ऑफ द यंगर लीव्स, जो हमारे जो पत्ते अभी भी बने हैं प्लांट्स के अंदर, जो लीव्स बने हैं उनके अंदर येलोइंग होनी शुरू हो जाएगी. वायरसेंस ऑफ द फ्लोरल प्लांट, जो हमारे फ्लोरल प्लांट्स में वायरसेंस आनी शुरू होती है. प्री मेच्योर डेथ ऑफ द एंटायर प्लांट, सारे प्लांट की जो प्री मेच्योर डेथ होनी शुरू होती है, यानी कि प्लांट के मच्योर होने से पहले उसकी डेथ होती है. सो दिस इज द कॉमन सिम्टम. ट्रांसमिशन, देखो ट्रांसमिशन किसकी हेल्प से करते हैं, ज़्यादातर हमारे जो फ्लोएम रिस्ट्रिक्टेड आरएलबी होते हैं उनको ट्रांसमिशन में कौन हेल्प करता है, लीफ ओपर हेल्प करता है, लीफ ओपर हेल्प करता है, डूडर हेल्प करता है, जिसको हम कस्कूटा भी कह देते हैं, और इवन कॉमन लैंग्वेज के अंदर इसको अमरबेल भी कह देते हैं. और डूडर अमरबेल क्या होती है, जो हमारा कंप्लीट स्टेम पैरासाइट एक वीड होता है, ग्राफ्टिंग की हेल्प से जाता है. सिट्रस ग्रेनिंग इज ट्रांसमिटेड बाय द सिट्रस जीला, तो सिट्रस आइला एक इंसेक्ट होता है, वो इसको हेल्प करते हैं इसकी ट्रांसमिशन करने में. सो देखो ट्रांसमिशन किसकी हेल्प से हो रही है, सिट्रस जाइला के होके कारण हो रही है. सो दिस इज द फ्लोएम लिमिटेड आरएलबी, जो कि हमारे फ्लोएम टिश्यू को इंपैक्ट कर रहा है. नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड वन, डेट इज अ नॉन टिश्यू रिस्ट्रिक्टेड आरएलबी. दे आर फाउंड इन द पैनकाइमेटिस और द मेरिस्मेटिक सेल्स ऑफ द येलो ऑफ द ग्रेपवाइन, क्लोरोसिस एंड द एरिस्मेट ऑफ द वीट. ये ज़्यादातर हमारे ग्रेपवाइन के अंदर मिलते हैं, क्लोरोसिस करते हैं, एप्पल की प्लोरिफिकेशन करते हैं, कैरेट की क्लोरिफिकेशन करते हैं, इवन ग्रेपवाइंस की निक्रोसिस करते हैं. ए येलो ऑफ द ग्रेपवाइन इज ट्रांसमिट बाय द नेमेटोड, दैट इज ज़िपनेमा इंडेक्स. ज़िपनेमा इंडेक्स जिसको काफ़ी ज़्यादा एक बेस्ट एग्जांपल है, जो कि ग्रेपवाइन डिजीज को इंपैक्ट करता है. देखो ये किस किस को इंपैक्ट कर रही है, पैरेन्काइमेटिस टिश्यू को इंपैक्ट कर रहा है, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू को इंपैक्ट कर रहा है. मेरिस्मेटिक टिश्यू आपने पढ़ा होगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या, ज़्यादातर हमारे प्लांट्स के जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं. सो ज़्यादातर ये किसको इंपैक्ट कर रहा है, नॉन वस्कुलर टिश्यूज को इंपैक्ट कर रहा है, दैट्स वाई इज कॉल्ड एज अ नॉन टिश्यू रिस्ट्रिक्टेड आरएल. So this is about the RLB. Now we talk about the next one, that is a phytoplasma. As like other, जैसे हमने पीछे RLB की बात की, RLB के अंदर क्या था, सेल वॉल था, लेकिन phytoplasma के अंदर सेल वॉल नहीं होती है. And bounded by the unit membrane, and these are the pleuromorphic. Pleuromorphic वो होते हैं कि जो अपनी बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हैं, दे लैक द सेल वॉल. और इनकी जो कॉलोनी होती है फ्राइड एग अपीयरेंस होती है, यानी कि अगर आप इन अगर आप phytoplasma की कॉलोनी को अगर आप लैब के अंदर ग्रोन करोगे तो आपको एक फ्राइड एग की अपीयरेंस दिखाई देगी. एंड दे आर फिल्टरेबल इवन थ्रू द 450 नैनोमीटर मेम्ब्रेन. इनका साइज इतना छोटा होता है कि 450 नैनोमीटर के अंदर से भी पास आउट कर सकते हैं. एंड दे हैव द बोथ डीएनए एंड आरएनए. सो इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है. लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इनको आप आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर आप इनको ग्रोन नहीं कर सकते. और जो कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, दैट इज लिटल लीफ, फाइलोडी, स्पाइक, येलोइंग, स्टंटिंग, रिचीव रूम, दिस आर द कॉमन एग्जाम्पल्स. और ज़्यादातर जो फाइटोप्लाज्मा है इसको ट्रांसमिशन करने में कौन हेल्प करता है, लीफ ओपर हेल्प करते हैं. एंड दे आर द इनसेंसिटिव टू द पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन के खिलाफ इतना ज़्यादा कारगर नहीं है, लेकिन दिस आर द सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन. देखो पेनिसिलिन की एक एंटीबायोटिक्स, और आपको पता है कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए हम जो केमिकल का जो यूज़ करते हैं उस केमिकल को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं. ज़्यादातर हम एंटीबायोटिक्स को ही यूज़ करते हैं, वो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया के केस में जो एंटीबायोटिक हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो पेनिसिलिन ही यूज़ करते हैं. लेकिन फाइटोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा, इनके खिलाफ जो पेनिसिलिन इतना कारगर नहीं, इतना मतलब बढ़िया इसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये करते हैं रेसिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं. इसीलिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हैं. और इवन कई बार कैसा होता है कि हम पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन को मिक्स करके भी कुछ एंटीबायोटिक्स डेवलप करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी एक टेक्नोलॉजी है. सो इसकी एग्जाम्पल, इट इज फाइलोडी ऑफ सेसमे, लिटिल लीफ ऑफ द ब्रिंजल, दिस इज द कॉमन एग्जाम्पल्स. और अक्सर हमें ये फील्ड के अंदर देखने को मिलती है. नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पैथोजन, दैट इज रिलेटेड टू द बैक्टीरिया, दैट इज स्पायरोप्लाज्मा. स्पायरोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, इट इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर. अब आप कहेंगे भाई हेली स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये वाले स्ट्रक्चर हेलिकल होती है. इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं. और इनकी दिस आर द वॉललेस प्रोकैरियोट्स, ये क्या होते हैं, वॉललेस होते हैं. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ गई, इनकी इनको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए होता है, कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है. एंड दे कॉज डिजीज इन द प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड द रैट्स. ये प्लांट्स के अंदर भी डिजीज कॉज करते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर भी कॉज करते हैं, और इवंस इन्होंने रैट्स तक को भी नहीं छोड़ा, ये रैट्स को भी इंफेक्ट करते हैं. देखो इन्होंने मैमल्स को भी इंक्लूड कर दिया, ऑर्थोपोड्स को भी इंक्लूड कर दिया, और प्लांट्स को भी इंक्लूड कर दिया. दे आर द इनसेंसिटिव टू द पेनिसिलिन. ये तो बात पहले भी हो चुकी है कि पेनिसिलिन के खिलाफ तो बिल्कुल कारगर है ही नहीं है. एंड दिस आर द सेंसिटिव टू द एंथ्रोमाइसिन एंड द टेट्रासाइक्लिन.
अगर देखो स्पायरोप्लाज्मा को आप पेनिसिलिन से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हाँ, पेनिसिलिन के अंदर अगर आप एंथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन मिक्स कर दे तो फिर आप कह सकते हो कि अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन फिर भी कई बार रेसिस्टेंट डेवलप हो जाती है। तो इससे बेस्ट मेथड यही है कि आप एंथ्रोमाइसिन यूज़ करो या फिर आप टेट्रासाइक्लिन यूज़ करो। सो कॉमन देखो स्पायरोप्लाज्मा इतना ज़्यादा खास डिजीज कोज नहीं करता है हमारे प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। हमारे 5 to 10% जो प्लांट डिजीज होती है वो स्पायरोप्लाज्मा के अंदर होती है, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिजीज ये कोज करता है, वन इज ए कॉर्न स्टंट, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, इसको मेज स्टंट भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो मेज प्लांट है उसकी हाइट डिक्रीज हो जाती है। एंड द सेकंड वन इज अ सिट्रस स्टब बोन। सिट्रस स्टब बोन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है उसकी हाइट एकदम से डिक्रीज हो जाती है। सिट्रस की जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे किन्नू हो गया, मैंडेरियन फ्रूट्स हो गया, इनके अंदर क्या होता है एकदम से इनकी हाइट डिक्रीज हो जाती है। सो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट करता है। और इवन जो सिट्रस स्टब बोन को हम एज अ यूजफुल भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे प्लांट्स के अंदर ड्वार्फनेस लेके आना चाहते हैं, तो उसकी प्लांट को हाइट को डिक्रीज करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर हम ये डिजीज़ को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। सो जो हमारे प्लांट ब्रीडर होते हैं वो इसको इसी डिजीज़ को एज अ बाकी पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द वॉचिंग फॉर द दिस स्टूडेंट लेक्चर। सो इन दिस इस लेक्चर के अंदर हमने सभी बैक्टीरिया के अंदर अच्छे से बात कर ली। सो अगर आपको स्टूडेंट ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर करें स्टूडेंट्स, और हमारे टेलीग्राम चैनल को स्टूडेंट्स ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वो चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चर मैगजीन्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, क्विजेज हैं, सभी वहाँ पे आप इजीली अटेंड कर सकते हो, और गूगल प्ले स्टोर पे आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो एग्री हमारे एक तो एग्री मून का एक गूगल प्ले पे एक ऐप है, और एक एग्री वर्षा के नाम पे भी हमारा एक ऐप है। दोनों ही ऐप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्री वर्षा ऐप के ऊपर आपको IBPS AFO, अगर आप किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूट के अंदर या फिर किसी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्री वर्षा आपके लिए बेस्ट ऐप है। क्योंकि इसके अंदर आपको सारी आपको IBPS के रिलेटेड, AFO के रिलेटेड जो भी आपको PDF चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। और इवन अगर आप IFCO, FCI, MarkFed, किसी भी अगर आप किसी की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो दैट इज़ अ बेस्ट ऐप। और आप जितनी भी एग्रीकल्चर मैगजीन्स होती हैं जो कि अक्सर आप साइट्स पे देखते हो, और जहाँ तक आप जहाँ साइट्स पे देखते हो तो वहाँ पर आपको कॉस्टली मिलती है, आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है। इवन अगर आप ई बुक स्टाइल में अगर आप ऑनलाइन भी रीडिंग करते हो तो भी आपको पे करना पड़ता है। लेकिन एग्री वर्षा ऐप के अंदर आपको कोई पे नहीं करना है। दिस ऑल द मैगजीन जितनी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड है, चाहे वो कोई भी मैगजीन, चाहे वो इंडिया की मैगजीन है, चाहे वो USTA डिपार्टमेंट की मैगजीन है, चाहे कोई भी मैगजीन है, चाहे वो कुरुक्षेत्रा मैगजीन है, कोई भी मैगजीन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल अपडेटेड मिलेगी। ये नहीं है कि आपको मैगजीन का वादा करके हम जनवरी की मैगजीन प्रोवाइड करेंगे, जैसे अब जून चल रहा है और आपको जनवरी की मैगजीन प्रोवाइड करें, नहीं। अगर आपको जून चल रहा है तो आपको जून की ही मैगजीन मिलेगी, जुलाई चल रहा है तो जुलाई की ही मैगजीन मिलेगी। यानी कि जितनी भी आपको मैगजीन्स मिलेगी अप टू डेट मिलेगी, क्योंकि मैगजीन्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स क्लियर होते हैं हर एग्जाम के अंदर। अगर आप UPSC का भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, हमारे ऐप को भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।